आ गए आप लोग। हाय गाइस, आज हम बात करेंगे रेडमी 9 पावर की। जी हाँ, रेडमी 9 पावर। आज हम अमीर हैं, हमारे पास फ़ोन भी है। ये फ़ोन मैंने अपने भाई मोहित से लिया हुआ और ये 10 दिन मैंने यूज़ भी किया है, तो इसमें मुझे जो चीज़ें लगी हैं वो मैं आपको इस साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो आज हम पूरा डिटेल रिव्यू इसका लेंगे और आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटा दबाना ना भूलें। सो हाय गाइस, माय नेम इज़ सनी तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक सीआर। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो ये 6.53 इंच का डिस्प्ले है, जो IPS फुल HD प्लस डिस्प्ले आता है इसमें, और आप इसमें 400 निट्स की ब्राइटनेस भी आपको देखने को मिल जाएगी। फुल डिस्प्ले दिखाते हैं आपको, ये 400 निट्स की ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है इसमें। इसके अलावा ये पूरा वेजल लेस है और गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ ये आता है। इसमें गोरिल्ला ग्लास मेरे को ये था कि थोड़ा सा अगर कुछ और ज़्यादा दे देते तो ठीक था, लेकिन जिस हिसाब से इसके प्राइस हैं तो ये भी चल जाएगा कोई। इसमें एक वाटर ड्रॉप नॉच भी आपको दिया हुआ है, आप सही से देखें तो, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखिए कैमरा कर दिया, वाटर ड्रॉप नॉच आपको इसमें मिलेगा। और आपको इसमें 395, जी हाँ, इसमें आपको 395 PPI पिक्सल डेंसिटी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके बैक पैनल की बात करते हैं तो ये पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है। बस यहाँ पे जो ब्रांड रेडमी इन्होंने बड़ा लिख रखा है, तो मुझे लग रहा है क्यों लिख रखा है यार, वैसे भी आपका ब्रांड पहले से फेमस है तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। इसके हम अगर इसके साथ आपको एक चीज़ और करके दिखाता हूँ, जैसे कि आपको शायद सुनाई दे, तो ये भी गेमिंग टाइम पास के हिसाब से अच्छा है, क्योंकि मैं इसको यूज़ करके देख रखा है तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, मैंने विदाउट केसी यूज़ किया है तो ये ऐसे ही था, तो इसमें कोई भी स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं है अभी तक के लिए। अब हम बात करते हैं इसके बैक कैमरे की। तो बैक में अगर आप देखें तो एक क्वाड कैमरा सेटअप है। अगर आप फर्स्टली बात करें, सबसे पहला जो लेंस है वो 8 MP का अल्ट्रा वाइड दिया हुआ है। उसके अलावा सेकंड लेंस पर अगर आप आओगे तो ये है 48 MP का मेन कैमरा है। और इसके बाद थर्ड पर आप आते हैं तो थर्ड जो आपका 2 MP का डेप्थ कैमरा दिया हुआ, और बाद में यहाँ लास्ट में आप देखोगे तो 2 MP का मैक्रो लेंस है ये। जी हाँ, ये मैक्रो दिया हुआ, 2 MP के मैक्रो और डेप्थ दे रखे हैं। इसके अलावा ये फ्लैश लाइट है, फ्लैश दे रखी है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट की। तो फ्रंट पे जो आपको 8 MP का कैमरा मिलता है यहाँ, ये भी अच्छा दिया हुआ है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप दोनों ही कैमरों से आप फुल HD रिकॉर्डिंग कर सकते हो वीडियो की, लेकिन वो 30 FPS पर होगी। जी हाँ, दोनों से ही आप 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसमें बात करते हैं अगर हम वेरियंट्स की, तो ये 3 वेरियंट्स में आपको देखने को मिलेगा। एक मिलेगा 464 में, सेकंड आपको देखने को मिलेगा 4128 में, और थर्ड आपको 6128 में देखने को मिलेगा। इसमें जो रैम है LDDR4X रैम देखने को मिलती है, और ये 464 और 4128 जो वेरिएंट है इसमें आपको UFS 2.1 स्टोरेज देखने को मिलेगी, और जो 6128 में जो मॉडल आता है उसमें आपको UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिलेगी। गाइज, आपको इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 देखने को मिलता है, ये इतना बुरा भी नहीं है क्योंकि ये मैंने देखा है तो काफ़ी सही है यार इसमें भी, और गेमिंग एक्सपीरियंस भी ठीक है, इतना स्लो भी नहीं है, डिसेंट प्रोसेसर है एक, तो ये भी सही है इस प्राइस के अकॉर्डिंग, ये काफ़ी अच्छा इन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको दे रखे हैं, ये दोनों डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं। ये इसकी वॉइस भी काफ़ी लाउड है, आपको एक बार इसमें अच्छा एक बार म्यूज़िक आपको सुना देते हैं, इसमें कितनी लाउड है आप खुद चेक कर सकते हैं इसको। तो इतना है इसमें, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। स्पीकर्स भी डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दे रखे हैं, दोनों तरफ ऊपर नीचे स्पीकर्स हैं, तो ये अच्छा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर 3.5 mm का जैक देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको इसमें एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि ये है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा स्लो है मैंने देखा है ये, जैसे कि अभी मैं दोबारा करूँगा अब खुलेगा, तो ये स्लो है। दूसरा, इसमें फेस अनलॉक का भी फीचर है, तो फेस अनलॉक भी इसका ठीक है, खुल गया, तो फेस अनलॉक भी फास्ट, फेस अनलॉक फास्ट है ज़्यादा इसका फिंगरप्रिंट से। तो अब मैं इसके कुछ कैमरा सैंपल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि मैंने इसके फ्रंट और रियर से लिए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इसके सैंपल्स हैं। तो इस प्राइस रेंज में इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता कि कोई मिल सकता है। अगर आपको इसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5 का सपोर्ट है, वाईफाई कॉलिंग है, GPS है, और डुअल 4G सिम नैनो इसमें यूज़ होती है, डुअल 4G है। तो प्लस साथ में ही आप इसके साथ ही माइक्रो SD कार्ड भी यूज़ कर सकते हो अप टू 512 GB। जी हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आप 2 सिम यूज़ कर रहे हो तो आपका SD कार्ड नहीं चलेगा, तो इसमें SD कार्ड का भी सपोर्ट है, तीनों चीज़ें एक साथ कर सकते हो। तो बात करते हैं अब इसकी बैटरी की। तो बैटरी में भी इसने बहुत गजब कर दिखाया यार, इसने 6000 mAh की बैटरी इसने दी है इसमें। इसके अलावा हम बात करें तो इसका जो एडेप्टर है 22.5 W का एडेप्टर है, लेकिन ये फ़ोन जो चार्जिंग सपोर्ट करता है वो 18 W पर ही सपोर्ट करता है। आप देख सकते हैं इसका जो
चार्जिंग है तो ये टाइप सी सपोर्ट करता है, यहाँ पर टाइप सी है, टाइप सी केबल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें इसके प्राइसेस के बारे में, तो इसका जो 464 वाला वेरिएंट है वो आपको 10,499 रुपये का मिलेगा मार्केट में, और इसके अलावा आपको 4128 का जो वेरिएंट है वो 11,999 का मिलेगा, और जो 6128 का वेरिएंट है वो 12,999 में मिलेगा आपको। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को फैला दो और जितना हो सके शेयर करो भाई यार। मुझे ये भी बताएं आप लोग कि अगर नेक्स्ट वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं, तो मैं उस पर 100% उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड लाइक द वीडियो।